अरे भाई आज नाश्ता नहीं किया। ओह गॉड, मिस्टर डाला आपके हाथ में चाकू। जिन हाथों को चूड़ियां नसीब करना होती ना मक्खन सिंह, उन हाथों में चाकू आ जावे। ये बात तो या तो है ना, तू अपने खून से मारी मांग भरेगा, या थारे खून से आज मैं अपने हाथ रंगूंगी। देखिए मिस्टर डाला, क्या आपने हमें कोई गांव की गोरी समझ रखा है और अपने आपको ठाकुर भवानी सिंह की जब आपका मन करता है 24 घंटे हमारे साथ जोर जबरदस्ती करती रहती है आप? भवानी सिंह दिखे हो मैं तने न के खराबी वाली मारे में बोल तू। देखिए मिस्टर डाला, अब ठीक है, दो मर्द जब एक दूसरे से, मेरा मतलब है कि दो लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं तो चाकू वाकू का बीच में कुछ मतलब फायदा नहीं ना। चाकू लाई डीजे डीजे चाकू हमें दीजिए दीजिए, ये हुई ना बात चाकू की। अब देखिए मिस्टर डाला, हमारा कहने का मतलब एक मिनट नाश्ता। देखिए हमारा कहने का मतलब ये है कि अब शादी जो होती है ना तो वो बराबरी के लोगों में होती है, और अगर बराबरी के लोगों में हो जाए तो शादी अच्छी होती है। अब देखिए आप ठहरी मर्दनुमा औरत और हम ठहरे हसीन मर्द, तो मतलब बराबरी तो है ही ना। न तू हसीन मर्द हो रहा और नहीं हो गया, न के समझ रखा तेने अपने आप को, न तू सिल्वेस्टर स्टालोन हो रहा, टॉम क्रूज हो रहा तू। अरे इनसे बेहतर है हम यार, कौन है हम, है हम मतलब ऊपर वाली की देन है, घमंड नहीं है। अब देखिए हमारी आंखें, देखिए गौर से देखिए, आंखें नहीं है ये गहराई के कुएं हैं जी हाँ, जिनमें पूरी की पूरी दुनिया अपने कुत्तों के साथ समा जाए जी हाँ, मतलब ऊपर वाली की देन है, घमंड नहीं है। हमारे कान देखिए, कान नहीं है ये, खूबसूरती की गुफाएं हैं, मतलब यहां से आप एंट्री मारिए और यहां से 10 रुपए देकर आप एग्जिट मारिए, मतलब ऊपर वाली की देन है, घमंड नहीं है जी हाँ। अब हमारे गाल देखिए, गाल नहीं है ये, मतलब मान लीजिए हमें पेड़ है, ये चढ़े हुए एप्पल हैं, एप्पल लाल वाले कश्मीर से, मतलब ऊपर वाली की देन है, बोलिए चलिए हम बोल देते हैं घमंड नहीं है। हाँ हमारी नाक देखिए, अरे नाक तो है ही नहीं है, ये तो है एक तीखी तलवार। स्टॉक की जरूरत पड़ती है हमें, स्टॉक की जरूरत पूछे हमें नहीं, जब भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हमें स्टॉक की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल नहीं, हम कोल्ड ड्रिंक में अपनी नाक को डुबो लेते पी जाते स्टॉक की जरूरत पड़ती नहीं हमें, मतलब ऊपर वाली की देन है, कमेंट नहीं है। अगर हमारे लेवल और स्टैंडर्ड की मतलब एक खूबसूरती के लेवल में होती, मतलब हमारी इतनी हैंडसम होती तो शायद कुछ यहाँ पे हम वर्कआउट कर सकते, लेकिन नॉट एवरीवन इज दैट लकी, मतलब ऊपर वाली की डेट है, घमंड नहीं है। हम चलते हैं, बैठ के कुड़िएगा रास्ते में, बाकी इसको फेंक दीजिएगा कचरे के डब्बे में, थैंक यू गुड बाय। हैंडसम मक्खन सिंह सी हैंडसम होती यार। मम्मी जी आप भी कहां डैडी जी की बात को दिल से लगा बैठी हैं। तू ज्यादा बात तो कोई ना बना, वरना मैं रैप्टर ना तारे गाल से लगा बैठूंगी। सॉरी मैडम, आप बिना एक नंबर की भोली हैं मैडम। अरे मैडम आप भी क्या यहाँ पर तारामती गीता बनी बैठी हैं? अरे मैडम आपको कुछ आइडिया भी है कि आप कितनी कट्टू कटीली हैं? मैडम अगर आप ये वर्दी उतार देना, अरे मैडम मेरा कहने का मतलब है अगर आप ये वर्दी उतार दें और कुछ एकदम झटाक मटाक कपड़े पहन लें तो आप भी किसी चंपाकली से कम नहीं है। अरे मैं जो है ना लाख प्रयत्न कर लूं, मैं कतई मक्खन सिंह सी हैंडसम कतई ना दिख सकती। तू नई सिचुएशन पे तने कोई दिमाग में मारा आइडिया ना आ रहा? आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक छरपट छटारू घमंड उतारू आइडिया आ रहा है। ना तो थारे अंदर गोली उतार दूंगी ना, फिर देगा तू आइडिया। मैडम सर को किस बात का घमंड है? इसी बात का ना कि वो बहुत हैंडसम है। मैडम अगर हम सर के दिमाग में ये बात डाल दें कि वो बहुत ही बदसूरत हैं, अगली हैं, तो सर का सारा घमंड टूट जाएगा मैडम, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो आपके पैरों में आकर गिर जाएंगे। तुम्हारे लेडीज संगीत में बेली डांसिंग करेगा तू, बेली डांसिंग। हेलो, अलाउ मी टू
introduce myself. I am Inspector Imaan Chowki, Hanuman Prasad Pandey. How are you? Oh my God! No! Oh no! Daddy ji, आपका इसके साथ कहीं पुराना लपड़ झपड़ तो नहीं है? Shut up यार। अरे पुराना भी नहीं और नया भी नहीं है। फिर ये आपको देख के बेहोश क्यों हुई? अब मुझे क्या पता? अरे क्या कर दिया तेरे छोरी ने? पता नहीं मम्मी जी, डैडी जी को देख के बेहोश हो गई। अरे इसके मुंह पर कुछ पानी वानी डालो, ये जागेगी तो ही तो पता चलेगा असली बात क्या है। पानी, पानी ला। अबे मेरे पे नहीं, इस पे। सॉरी सर, सॉरी। हटा लो, हटा लो, इतनी बदसूरत शक्ल को मेरे सामने से हटा लो। ओह माय गॉड, इतनी बदसूरत शक्ल मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। ये देखने से पहले मैं अंधी क्यों नहीं हो गई? Excuse me, are you talking about me? हाँ, please तुम अपनी बदसूरत शक्ल मेरे सामने से हटा लो वरना मैं अपनी आंखें फोड़ लूँगी। अबे अबे लेकिन अब सर कह रही है तो आप अंदर चले जाइए ना सर। मैडम मैडम प्लीज, मैं इसकी शक्ल बिल्कुल नहीं देख सकती। अरे जाना तू। तू तो कतई कंकना सेन और नेचुरल एक्टर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैडम हमारे प्लान का स्टेप वन तो सक्सेसफुल हो गया है। गोपी, अब मेरी पड़ोसन ने तो अपना जलवा दिखा दिया, अब तेरी अड़ोसन की बारी है, बुला बुला। ओके। वैसे मैडम वो बड़े हैंडसम थे। अबे शीशा किसका है यार? भाई वैसे हम इतने भी भड्डे तो नहीं है यार, है तो हम काफी हैंडसम। अरे लेकिन उस लड़की की प्रॉब्लम क्या थी यार? समझ गए हम, यू फॉक्सी गाय। उस लड़की की आंखों में डिफेक्ट था। अरे और क्या प्रॉब्लम हो सकती है सर? सर बाहर कोई FIR लिखवाने आया है। तुमने क्या मैं हवलदार समझ रखा है जो अब हम FIR लिखेंगे? ठीक है सर, लेकिन अब वो कह रही है कि वो FIR लिखवाएगी तो सिर्फ आपसे, लेकिन आपको नहीं लिखना है तो ठीक है। एक मिनट, कह रही है? तुम चिंता मत करो, अभी जाके उनकी पप्पी लेते हैं। मेरा मतलब है अभी जाके उनके FIR लिखते हैं यार। मैंने कह दिया दीदी, मैं FIR लिखाऊंगी तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दरोगा बाबू से। हाँ। अरे दरोगा बाबू हाजिर है भाई, हम तो शॉपिंग की सोच रहे थे लेकिन यहाँ पे तो डिलीवरी का टाइम लग रहा है। आप खामोश रहिए चुप करके, है ना दीदी, है ना? डैडी जी, पहले तो ये आपसे मिलने की जिद कर रही थी, अब आपको देखिए ये उल्टी कर रही है, आखिर बात क्या है? अब मुझे क्या पता। मैडम मुझे तो ये साजन बिना सुहागन और सर कुंवारा बाप लग रहे हैं। रे उल्टी नहीं, तू सीधी तरह बोल, क्या बात होगी? सीधी तरह बात ये है मैडम कि मुझे इन्हें देख के घिन हो रही है। मैडम आज के मॉडर्न युग में कोई इतना बदसूरत हो सकता है? ये क्या बकरियां? I'm sorry, पर सच यही है। अर्ज किया है आपकी बदसूरती में। कान देखो, बोलो कैसे, भालू जैसे, है ना दीदी, है ना? आंखें देखो, बोलो कैसी, बटन जैसी, है ना दीदी, है ना? और नाक बैंगन और पालक की भजिया को मिला के उस पे लहसुन और धनिया की चटनी डाल दो, बिल्कुल वैसे, है ना दीदी, है ना? बाल देखो, बोलो कैसे, झाड़ू जैसे। गाल देखो, बोलो कैसे, आलू जैसे, है ना दीदी, है ना? माय गॉड दीदी, आज तक आपने ये नोटिस नहीं किया, है ना दीदी, है ना? भाई मैं तो जो है ना इनोसेंसी में रह गई, मैंने तो नोटिस नहीं करी, पर तू मंजू रानी, तू कह रही है ना तो सही कह रही है तू, है ना दीदी, है ना? ओहो मंजू रानी, एक्टिंग फर्स्ट क्लास। थैंक यू दीदी, है ना दीदी, है ना? मम्मी जी, प्लान का दूसरा स्टेप भी सक्सेसफुल हो गया है। ये था मेरी अड़ोसन का जलवा, गुलगुले, अब देखेंगे तेरी दूसरी पड़ोसन का जलवा। शी इज कमिंग। ओहो
है ना दीदी, है ना? कतई लाड में आ दी तू, ना मारी गोद में बैठ जा, अडॉप्ट हो जा तुम्हारे से, है ना दीदी, है ना? I'm sorry. It's my pleasure. Excuse me, handsome. क्या हमें ही हैंडसम बुला रही है ना? नहीं, मेरा मतलब है काश आप थोड़े से हैंडसम होते, लेकिन आपकी शक्ल तो इतनी गंदी है, मैंने जिंदगी में पहली बार इतना बदसूरत आदमी देखा है। अब मुझे एफ.आई.आर लिखवानी है। एक काम कीजिए, आप अपना मुंह किसी रुमाल रुमाल से ढक लीजिए ताकि मैं अपनी एफ.आई.आर लिखवा सकूं, वरना मैं तो अरे यार रुमाल से प्लीज मुंह ढक लीजिए। अच्छा ठीक है कर रहे हैं ना आप। आइए आप आइए बैठिए प्लीज आप आइए जी वही रखिए मुंह तशरीफ लीजिए आप ढक रहे हैं अपना मुंह। कर लिया ना? हाँ जी। अरे यार आप तो वो दिखाएगी नहीं और रजिस्टर का है। हाँ आप रुकिए मैं देती हूँ, रुमाल मत निकालिएगा। हाँ यही लग रहा है आपका रजिस्टर, ये है रजिस्टर हाँ। और ये पेन लिखिए। अरे यार आप तो दिख नहीं रहा है यार। हाँ तो ये बताइए किसने छेड़ा? पता नहीं। कहाँ छेड़ा जी? मेरा मतलब है कि किस एरिया में छेड़ा गया आपको? पता नहीं। किस टनल छेड़ा गया? पता नहीं। ओहो आप भी अरे हाँ ठीक है डोंट वरी ये रुमाल मत निकालिए। ढक लिया हमने। हाँ तो ये बताइए कि कितनी बार छेड़ा? पता नहीं। बस यही पता कि हम बच्चूरण हैं। हाँ और मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैं यहाँ क्यों आया एफ.आई.आर लिखवाने। पता नहीं ये बदसूरत शक्ल मैं जिंदगी में कैसे भूलूंगी। मुझे तो वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, मुझे नींबू पानी पीना है, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं लिखवाने। अरे हमने ढका हुआ है ना रुमाल से। अरे ढका हुआ अपना चेहरा। मतलब हम तो बस गलत फहमी में जी गए यार। घने लाड में आ रहा। दिल जले। सर मतलब हम तो बस गलत फहमी में जी गए यार। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं सर। सर सच तो सच होता है सर, लेकिन एक सच ये भी है सर कि आप एक बहुत ही किस्मत वाले इंसान हैं कि मैडम जैसी लड़की ने आपसे प्यार किया, आपको अपना दिल दिया। सर सर आप तो देख रहे हैं ना कि लड़कियों के समाज में आपकी क्या इज्जत है, लेकिन फिर भी मैडम ने कभी आपको लथाड़ा नहीं। सर सर उन्होंने जब भी सिंदूर की बात की, आपने उनसे दूर से बात की। सर सर जल्दी कीजिए सर, कहीं ट्रेन छूट ना जाए, खरबूजा कट ना जाए, दूध फट ना जाए। सर You're right. Any suggestion? सर अब पैर पकड़ लीजिए सर। सर मेरे नहीं सर, मैडम के पैर पकड़ लीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको जरूर माफ कर देंगी और आपके भद्दे चेहरे को इग्नोर करके आपसे शादी कर लेंगी वो। मिस चौटाला सुई धागा है? सेलो टेप है सर। मजबूत है? हाँ सर। जाओ जाके लेके और लगाओ। लूज मोशन सर। पैंट फट गई हमारी। मम्मी जी डैडी जी आ रहे हैं। मिस चौटाला देखिए हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। देखिए हम आपसे बार बार शादी करेंगे। अरे हम आपसे हर साल हर महीने हर दिन हर घंटे शादी करेंगे। प्लीज शादी कर लीजिए हमसे। देख भाई मक्खन सिंह, ऐसा ना टू कम आउट इन दी ओपन भाई, थारे में ऐसा धराई के है कि शादी कर लू ना? सकल देख इसे भाई, यो आंखें देख इसे अपनी। अरे आंखों को छोड़िए ना, मैं नहीं छोड़ेंगी, छोटी सीट है, हम चश्मा लगा लेंगे, आप चिंता मत करिए, बस शादी कर लीजिए हमसे। ना भाई यो कान ना गुरिल्ला से भाई ना। देखिए मिठड़ाला हम लंबे लंबे बाल उगा लेंगे, कानों को ढक लेंगे, मैनेज हो जाएगा मामला, आप चिंता मत करिए, बस हमसे शादी कर लीजिए आप।
अरे और यो चटनी नुमा नाक न इसका क्या होगा, यो तो सेंटर ऑफ द फेस में हो रही। देखिए बिटोला, बॉडी छोटी ही चीज है, मैनेज हो जाएगी। और अगर आपको नहीं लगता कि मैनेज होगी, हम कटवा लेंगे, लेकिन आप हमसे शादी कर लीजिए, आप चिंता मत करिए प्लीज। देख भाई मक्खन सिंह भैया, ऐसा ना ऑनेस्टली तो बात ये हो रही है कि तू जो है भूतपूर्व हैंडसम प्राणी भाई। तू इफेक्टिव कोई ना, तू डिफेक्टिव पीस दिखे मरने भाई। शादी तो क्या मैं थारे संग आदि भी ना कर सकती। एंड नाउ आई हैव टू मच वर्क इन द चौकी, आई हैव टू रन द चौकी, बाय प्लीज डोंट, नो शादी नो। हम तो बस गलत फहमी में जी गए यार। सर आप ये तू जान दे रहे हो, और वैसे ऐसी बच्चूरत चगल के साथ जीने का क्या फायदा। डैडी जी हम तो बस गलत सभी में जी गए यार। अरे मक्खन सिंह तू सब गलत समझ रहा। अरे गलत तो हम समझ रहे हैं अब तक मम्मी, लेकिन अब हम सब कुछ सच सच समझ रहे हैं। क्या कह रहे थे तुम, हम बच्चूरत हैं, डरावनी चगल है हमारी, टमाटर जैसा चेहरा है हमारा। अरे ऐसे आदमी को जीने का क्या हक है। आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, हम लात मारेंगे, हमारा पैकअप हो जाएगा। दूर आ दिया। सर जो कुछ भी हो रहा था वो एक्चुअली एक नहीं गुलकुले दोस्त, अब तुम हमें रोक नहीं सकते यार। आई लव यू, याद रखना हमें। अरे अब तो इन्होंने भी इनकार कर दिया यार। अरे बावड़ी पूछना, घड़ी देर से तने बोले जा रही हूँ, यो सब ड्रामा था, एक्टिंग। हाँ जी जी डैडी जी, हमने सबने मिलके आपको बदसूरत साबित करने के लिए ये ड्रामा किया था, ताकि आपके हैंडसम होने का घमंड टूट सके। शट अप यू ब्लडी बदतमीज। सॉरी। अरे आप तो 24 घंटे शब के शब ड्रामा करते रहते हैं, कैसे मान ले हम। और वो तीन देवियां, उन्होंने भी हमें बदसूरत बुलाया, हम तो नहीं जानते भी नहीं है यार। अरे बावड़ी पूछना, मैंने कही थी उनसे ड्रामा करने को, और आज जो है ना मैं तन्ने सत्य बताने वाली थी। आओ भाई, ओ त्रिमूर्तियों आओ भाई, आने दो। ये बताओ इसने सच क्यों रहा। मैंने झूठ बोला, इन्होंने बुलवाया है ना दीदी, है ना। आप तो पटाखा पी से दरोगा बाबू, है ना दीदी, है ना। आप मुझे एक बार मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाए। ये आंखें, ये कान, ये गाल, ये बाल और ये नाक, हाय। आर यू टॉकिंग टू मी? यस आई एम। ईव तो होगी तसल्ली, हाँ ईव तो चैन पड़ गया कलेजे में। चल नीचे उतर आ भाई, तू ही दुनिया का सबसे हैंडसम हो रहा है। अरे अभी तो हमें शादी भी करनी है और मैं तो हूँ तैयार। अरे जाइए जाइए, अब जब तीन हसीनाएं हम पे मर रही हैं, तो हम भला आपसे क्यों शादी करें सरकार। तो फिर मरने को हो जा तैयार।